और देखिए यूक्रेन का रूसी सेना पर जबरदस्त तरीके से काउंटर अटैक हुआ है। रूस के सप्लाई ट्रकों को यूक्रेन ने टारगेट किया, सामान और हथियार से लदे ट्रकों को तबाह किया है। यूक्रेन के हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान की खबर है। ये जंग की तस्वीरें हैं। जंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये विस्फोट, ये आग, ये लपटे, ये तबाही, ये बर्बादी यूक्रेन में चारों तरफ दिख रही है। जमीन से लेकर आसमान तक को दहला देने वाले ये हमले पिछले 3 महीने से यूक्रेन में लगातार हो रही हैं। रूस और यूक्रेन की सेनाएं अपने विध्वंसक हमलों से एक दूसरे को तबाह कर देने पर आमादा है। नई तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें यूक्रेन की तो हैं, लेकिन इनमें नुकसान रूसी फौज का हुआ है। तस्वीर किस इलाके की है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस तबाही ने एक बार फिर से रूसी सेना को युद्ध के नतीजे को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। रूसी सैनिकों को सामान और हथियार की सप्लाई करने वाले ट्रकों को यूक्रेन की सेना ने बारूद बरसाकर तबाह कर डाला। पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के मिलिट्री व्हीकल को डिटेक्ट किया, उसे टारगेट किया और फिर उस पर बारूदी हमला करके ध्वस्त कर डाला। रूस की सप्लाई ट्रक विस्फोट होते ही आग में धू धू कर जल गए। ऐसे जवाबी हमले यूक्रेन के जंग के 108 दिन बाद भी लगातार जारी हैं। जाहिर है लाख तबाही के बावजूद यूक्रेन को मिलने वाले विदेशी हथियारों की मदद से उसके सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।